नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पौरी खबर, शिवपुरी जिले के पौरी से। पौरी जनपद सभागार में भारत सरकार की एडिप योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण किए गए। विकास खंड स्तरीय कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष रामकली, आदिवासी पौरी नगर परिषद अध्यक्ष रश्मि नेपाल वर्मा, जनपद पंचायत सीईओ शैलेंद्र, आदिवासी विधायक प्रतिनिधि भैया काजी अशोक सागर, किशोरी कुशवाहा शामिल हुए। उन्होंने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान करते हुए कहा कि विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगजनों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सहायक उपकरण दिए जा रहे हैं। यह सहायक उपकरण दिव्यांगजनों के जीवन को सरल और सुगम बनाएंगे। किसी भी प्रकार की दिव्यांगता के कारण हमारे दिव्यांग भाई जिन्हें किसी काम में समस्या होती है, अब सहायक उपकरण के कारण वह अपना काम सरलता से कर पाएंगे। कार्यक्रम में 32 दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं नगर परिषद पौरी भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिमिको के सहयोग से जनपद सभागार पौरी में आयोजित कार्यक्रम में 32 दिव्यांगजनों को उपकरणों का वितरण किया गया। वितरित किए गए सहायक उपकरणों में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल 10, ट्राईसाइकिल 13, व्हीलचेयर 1, वैशाखी 7, सुगमय घड़ी 1 शामिल है। पौरी से खबर समय जगत के लिए सतीश ठाकर की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।